तो ये है मेरी ग्राउंड रिपोर्ट। अब आइए चर्चा की करते हैं शुरुआत, और शाहनवाज हुसैन साहब, दानवे साहब, आप दोनों से एक एक करके जानना चाहूंगी कि MIM की जो पकड़ यहाँ पर हावी हो रही है, कैसे उसको निकाल पाइएगा, कैसे फिर से यहाँ पर आपके गठजोड़ का डंका बजेगा, स्ट्रैटेजी क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की युति है यहाँ पर, हम इकट्ठे एकजुट हैं। लोकसभा के चुनाव में जरूर हम बहुत कम वोटों से, 4000 के करीब वोटों से यहाँ पर MIM को सफलता मिली थी, लेकिन यहाँ एक बड़ी बात ये हुई है, देश को जानना चाहिए कि अगर कोई कांग्रेस मुक्त कोई इलाका हुआ है तो वो इस इलाके का नाम है कांग्रेस मुक्त। यहाँ वो जगह अब BJP और सेना की लड़ाई MIM से यहाँ पर है, और चेहरे पे इनके खिलखिलाहट आ रही है, क्या बात? इस इलाके में, मतलब आपको तो लग रहा है कि कांग्रेस को इस इलाके में BJP और बी का सवाल, और आज दिक्कत ये है कि कांग्रेस के पास कोई उम्मीदवार नहीं है, कांग्रेस के पास कोई नेता नहीं है, कांग्रेस से कोई चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है, और कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र की राजनीति में इस बार सिंगल डिजिट में आने वाली है। सिंगल डिजिट की कैसे शिवसेना तो यहाँ से मिट गई। पिछले समय शिवसेना BJP का अलायंस नहीं था, इसलिए हमारे झगड़े में MIM चुन के आई थी। लोकसभा में भी हमारे से एक रिबेल काम नहीं चलता, लोकसभा में भी हमारा एक रिबेल खड़ा था। अभी MIM यहाँ कुछ भी नहीं आ सकती, MIM को हम मिटा डालेंगे इलेक्शन में। मोदी जी के बिना काम नहीं चलता, ये पिछली बार के चुनाव ने सिखा दिया कि मोदी जी के बिना काम नहीं चलेगा। मोदी जी का विषय है, मोदी तो नेता है देश के, क्या लेकिन यहाँ भी देश के नेता है मोदी जी, लेकिन यहाँ भी शिवसेना ने BJP ने बहुत सारा काम किया है इस एरिया के डेवलपमेंट के लिए, और इस शहर का हिंदुत्व भी शिवसेना ने सुरक्षित रखा, इसलिए शिवसेना BJP के साथ में लोग रहेंगे। जहाँ आप खड़े हैं सर, पैरों के नीचे की जमीन गायब है। कोई गायब नहीं है, देखिए हमारा अलायंस है NCP के साथ में, अधिकतर सीटें NCP को गई हैं, इसीलिए ये बोल रहे हैं। सवाल ये है कि इतने साल से शिवसेना BJP का यहाँ पर महानगर पालिका होने के बाद आज भी यहाँ पर रोड में खड्डे नहीं है, औरंगाबाद खड्डे में, और यहाँ पर ये गलत है, अभी मैं आपके बीच में नहीं बोला था, यहाँ पर पानी की समस्या है, यहाँ पे 8-8 दिन लोगों को पानी नहीं मिलता है। देवेंद्र जी फडणवीस की सरकार ने लोगों को पानी नहीं मिलता है, करोड़ की एक स्कीम लाई है जय कुवाड़ी, जबकि जय कुवाड़ी यहाँ पर कांग्रेस लेके आई थी, और अभी 200 करोड़ रुपए और यहाँ पर रस्तों के साथ साथ कचरे की समस्या का प्रॉब्लम नहीं शहर में, कचरे अखबारों में आया है, शुरू हुआ औरंगाबाद का नाम जो है वो कचरे वाले शहर के अंदर, औरंगाबाद का नाम बदनाम मत कीजिए, औरंगाबाद का नाम बदनाम मत कीजिए, औरंगाबाद को कचरा से मत जोड़िए। शोर करेंगे सुन नहीं पाई, इन्होंने कोई काम नहीं किया, ठीक है। अब आप बताइए, क्या इस बात में दम नहीं है कि पिछली बार ये दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे, इसलिए आपने बाजी मार ली, क्योंकि अगर इन दोनों के वोट मिला दिए जाते तो इम्तियाज जलील से ज्यादा वोट इनके पास था, सच है या नहीं है? गलत बात है मैडम, बात यह है दरअसल कि हमें मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं, यही राजनीति इनकी रही, मारने की, काटने की, मिटाने की, इसलिए लोगों ने इनके MP को मिटा दिए और इम्तियाज जलील जैसे आदमी को चुनके दे दिए। अब लोगों के सवाल लेते हैं, देखिए आज औरंगाबाद को पूरा देश देख रहा है, क्या सोचेंगे अगर आप लोग लगातार हल्ला करेंगे तो बहस का हिस्सा नहीं बन पाएंगे, प्लीज एक एक करके आपके सवाल ले रही हूँ, जवाब दीजिएगा, माइक मत पकड़िए जी, सॉरी। हाँ आइए, औरंगाबाद वासियों के लिए की ओर से पूरे देश के लिए एक संदेश है, औरंगाबाद वासियों के लिए ओर से पूरे देश को एक संदेश है, आओ एक अच्छा देश बनाए। इसके लिए 70 साल में हमने देखा, वादे तो बहुत होते हैं, वादे बहुत होते हैं, परंतु उनको होने में काफी समय लग जाता है, देश का पैसा, समय और अविश्वास का वातावरण एक दूसरे की टांग खींचने में चला जाता है। प्रभु सवाल भी तो पूछिए, आप तो भाषण देने लगे। मेरा सवाल ये है, सवाल पूछिए, सवाल भाषण नहीं। जी हाँ, मेरा सवाल ये है, 7 सवाल है। पहला सवाल, क्या काम करेंगे आप, कौन कौन से तारीख को आखिरी दिन होगा वो तारीख, कितना पैसा लगेगा और वो पैसा काम जाएगा, जो भी वायदे होते हैं, हर वायदे का कौन कौन सा आखिरी तारीख होगी? ठीक पकड़ा है, सही पकड़े हैं। जो पहले रिजर्वेशन का मुद्दा उठाया था, मैं डॉक्टर विश्वरत्न, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल में 340 में बाबा साहब ने OBC को बड़ा भाई बोल के OBC को रिजर्वेशन दिया था, दूसरा उनके समाज के SC के लोगों को बाद में दिया था, और ST के उनको सबसे छोटा भाई। आपका सवाल क्या है, जानकारी मत दीजिए, सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है
कि जो 35,000 जो कंपनी है प्लास्टिक की, जो 35,000 कंपनियां है जो बंद होने वाली है, उसके लिए जो लोग जो काम कर रहे, 1,28,00,000 जो लोग काम करने वाले हैं, जो अभी उनका रोजगार चले जाएगा, रोजगार को लेकर चिंता दिखा रहे। सबसे पहले मैं बोल दूं, देखिए महाराष्ट्र के लोगों में बड़ा दम, एक ताली अपने लिए बजा लीजिए। इतने जबरदस्त राजनीतिक सवाल आप लोग पूछ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा संयम रखना होगा। एक साथ सभी लोग बोलेंगे तो मुश्किल हो जाएगा आपका बोलना। इधर आइए, आगे। मेरा सवाल बीजेपी वालों से है। बीजेपी वालों ने छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का स्टैचू, इनका भूमि पूजन किए वाला है। अगले पिछले साल इलेक्शन में उन्होंने बताया था कि अगले इलेक्शन में वो स्टैचू कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अभी तक वो स्टैचू कंप्लीट नहीं हुआ। और बीजेपी वाले यहाँ बोल रहे हैं कि यूपी की बात, हमारे महाराष्ट्र की बात करो, यूपी का हमको कुछ लेने का राज्य नहीं, हमारे औरंगाबाद की बात करो, ये सही मुद्दा है। जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं किसी स्टैचू के बारे में, एक सेकेंड, कि आपने वादा किया था शिवाजी का स्टैचू बनेगा, वो अभी तक बना नहीं है। इसी से मुझे शाहनवाज जी एक और चीज याद आई कि औरंगाबाद यानी वो जगह जहां औरंगजेब मरा था। आप तो औरंगजेब लेन का नाम चेंज करा चुके हैं, यहां पर मामला अटका हुआ है, तो इसको किस तरह से देखें? शिवाजी की मूर्ति कहते हैं, देश में करते कुछ देखिए, देश में बड़े बड़े काम थे जो मोदी जी कर रहे हैं। धारा 370 हटाया, 35 ए हटाया, और जो महापुरुषों की मूर्ति है वो भी बनेगी। जो अदालत के अंदर जो दिक्कत आई उसको दूर कर रहे हैं, और मैं मानता हूं कि महाराष्ट्र को हमने अच्छे से चलाया है। देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र को 5 साल में सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंचाया, और इस बार भी जब हम शिवसेना के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, जो भी सपने हैं महाराष्ट्र के लोगों के, उसको हम पूरा करके दिखाएंगे। लेकिन अभी वादे का समय नहीं है, काम का समय है, और हम काम किया है, काम करके दिखाएंगे। जल पूजन की नौटंकी मुंबई में करके गए, लेकिन 5 वर्षों में वहां पर अभी तक एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं लिया है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की स्मारक, इंदू मिल स्मारक, इंदू मिल स्मारक का एक भी ईंट आपने नहीं लगाया है। आपने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर और छत्रपति शिवाजी महाराज के अनुयायियों से आपने धोखा किया है, नरेंद्र मोदी जी ने धोखा किया है, देवेंद्र फडणवीस ने धोखा किया है, महाराष्ट्र की जनता के साथ में आपने धोखा किया है। 5 वर्षों तक आप एक क्या लेना देना है इनसे? कांग्रेस पार्टी को तो इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी की मूर्ति लगाने से फुर्सत ही नहीं है। मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आज कई एक युवा बेरोजगारी के लिए परेशान है, आप तो खाली सिर्फ हथेली पे जन्नत दिखा रहे लोगों को, बेरोजगार परेशान है, आपके पास कुछ जॉब नहीं है, जॉब क्या थे? आज कई एक लोग नौकरी पे निकल रहे हैं और आप कह रहे जगह लेके आएंगे। आज रोजगार के साधन बढ़ रहे हैं, जिस तरह अमेरिका और चाइना का ट्रेड वॉर है, हमने ऐसी कूटनीति चली है, सारी फैक्ट्रियां हिंदुस्तान में आ रही है, पूरे दुनिया में आर्थिक मंदी है, लेकिन हमने भारत की इकोनॉमी को संभाल रखा है, और वो दिन दूर नहीं, 1 GDP 1 क्वार्टर में जरूर हम पीछे आए होंगे, लेकिन अगली बार छलांग मार रहे हैं। जो आज की स्थिति है, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा रोजगार दिया है, सबसे ज्यादा रोजगार देंगे। ओवैसी जी भी नौकरियों की बात तो करते नहीं है, कभी लिंचिंग का मुद्दा उठा लेते हैं, तो वही मुद्दे जो हिंदू मुस्लिम उठाते हैं आपके। एक सेकंड प्लीज, जवाब सुनिए। मैडम, आपके थर्ड डिग्री प्रोग्राम में आपने 1,000 इशू पे बात करे, 1,000 इशू पे उन्होंने जवाब दिए। वो नौजवान का सवाल महाराष्ट्र के अंदर बेरोजगारी का था, और बेरोजगारी का मैडम महाराष्ट्र नौकरी कैसे लाइएगा ये बताइए, ज्ञान नहीं, नौकरी कहाँ से आएगी ये बताइए, ब्लूप्रिंट बताइए। मैडम सुनिए मेरी बात, ब्लूप्रिंट महाराष्ट्र के ये 5 साल के अंदर 25% नौकरियां बढ़ना चाहिए था, उल्टा 27% कम हो गई, हुकूमत में बैठे हुए लोगों का काम है नियोजन करना। चिंता की है, ये जो दुष्प्रचार हो रहा है देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में, नौकरी में नहीं, आपके आंकड़े में कुछ चलने वाला। देखिए, उस लड़के ने सवाल पूछा, नौजवान ने सवाल पूछा, मुझे उत्तर देने दीजिए। रोजगार के क्षेत्र में नए साधन यहाँ पर उपलब्ध हो रहे हैं, हमने मैं छोटा सा उत्तर देना चाहता हूँ। और आगे करने देखिए, देवेंद्र फडणवीस ने 80 लाख करोड़ के MOU मेक इन इंडिया के साइन किए थे,
80 लाख करोड़ के एमओयू के बाद में 8 लाख करोड़ का भी एमओयू नहीं आया है। इस देश के इस राज्य के अंदर उल्टा इंडस्ट्री बंद हुई है। आप कारखाना बंद हुआ, यहाँ पे शेवरले बंद हुआ, यहाँ पे बजाज की प्रोडक्शन काम हुई है, यहाँ पर बेरोजगारी बढ़ी है। जिस शहर में यह शो चल रहा है उस शहर के नेतों को मैं पूछती हूँ, मैम को मध्य में वो चुन के आए हैं, लेकिन चुन के बाद 4 सालों में उन्होंने क्या क्या काम किया, उनका हड़ावा देके उम्मीदवार चुन के लिए उभे करना है। ठीक है, अभी वो खासदार बन के भी आए हैं, लेकिन 4 महीने से हमको खासदार दिखे ही नहीं अभी तो ये संभाजीनगर औरंगाबाद के लोगों के कहना। सांसद की बात करें, सांसद नहीं दिख रहे, इम्तियाज है अभी तो दिखे ही नहीं हमको। ये कह रहे कि आपके सांसद जी दिखते ही नहीं है, हमने भी उनको शो के लिए बुलाया था। अरे मैडम अभी 4 महीने हुए, सुनिए, मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिन जो औरंगाबाद में मुख्यमंत्री आते हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आते हैं, तभी भी आपने इफ्तिया जलील नहीं आए, क्यों नहीं आए, ये सवाल है हमारा। कहाँ पे महाराष्ट्र मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिन के दिन क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए?